Yes, my dear students, how are you? I hope you all are safe and stay at your home. Now, in the last week, we have done resistivity, resistance, Ohm's law, potential difference, current, and today's topic, today we will do numericals on the Ohm's law and resistance. Okay. So first of all, I would like to take your doubts because मुझे काफी सारे बच्चों के कुछ messages आए हैं. एक question बहुत ज़्यादा highlight हुआ है या maximum two questions highlight हुए of the assignment which I would like to solve in this video. So please have a look, and that question was I think question number is second of section B of the second assignment related to the physics. Here I am going to solve that question. Question is question number 2. Okay, there are 2-3 questions जो सबसे ज्यादा हाइलाइट्स हो रहे हैं क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. बेटा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है. एक मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आया कि सर हम पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं. और एक क्वेश्चन था कि सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रियोस्टेट. तो मैं सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करता हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं सारे कॉम्पोनेंट्स लगा दूंगा और फिर बताता हूँ कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल लगाया जाएगा और क्यों लगाया जाएगा. तो बेटा मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ. इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रेजिस्टर को हम लोड भी बोल सकते हैं कि एक लोड है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कुछ भी है. दैट इज मीनिंग लोड. दिस इज नॉट अ सिंगल वायर, दिस इज अ लोड जिसको हम रेजिस्टर बोल रहे हैं. यहां पर हमने एक एमिटर लगा लिया है, ठीक है, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है. बेटा यहां पर मैं एक रियोस्टेट लगा देता हूं. ये मैं एक की लगा देता हूं, ये मैंने इसमें सब कुछ एडजस्ट कर दिया. अब मैं रियोस्टेट को ज्यादा यूज नहीं करता था. मैंने लास्ट सर्किट में भी रियोस्टेट का कोई यूज नहीं किया, लेकिन वो सेगमेंट में क्वेश्चन आ रहा था तो मैं क्लियर कर दूंगा. मैं तो मैंने क्या किया था, मैंने यहां पर एरो लगा रखा था, वो भी मैं बताता हूँ. ये मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया. बेटा वोल्ट मीटर को मैंने अपने लोड के पैरेलल लगाया, इसका रीजन है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, तो अब मैं इसके कुछ साइन बना रहा हूं. बेटा साइन को चेक करना, एक सेकंड के लिए साइन देखना. मैंने यहां पर साइन बनाया है पॉजिटिव, बैटरी का यहां पे साइन बनाया नेगेटिव, ये आगे आ रहा है पॉजिटिव, इस पॉइंट पे पहुंच गया पॉजिटिव. ठीक है, यहां पर वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होगा वो पॉजिटिव के साथ होगा, क्योंकि इसके पास दो कनेक्शन होंगे ना. तो यहां पॉजिटिव आएगा तो यहां बेटा नेगेटिव आएगा, तो यहां इसको नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, पैरेलल में पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव मिलता है. इस पर बात करते हैं, इसका एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, ये पॉजिटिव आगे आ रहा है. अब ये मत देखना कि नेगेटिव आगे आ रहा है, नहीं, ये नेगेटिव इसके कारण पहुंचा. तुम्हें इस वायर में पॉजिटिव चलाना है लाइक दिस. ठीक है, पैरेलल में एज इट इज रखना होता है कि जो नीचे पॉजिटिव है ऊपर भी उसी पोजिशन पे पॉजिटिव आएगा, नीचे जिस पोजिशन पे नेगेटिव है उसी पोजिशन पे नेगेटिव आएगा. बेसिकली हमारा जो रूल होता है, हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ये जो वायर्स होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव करंट फ्लो करता है. पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं, ऑपोजिट फ्लो करते हैं. तो उसका कंसेप्ट हम बाद में करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो करता है. तुम सिंपल सा याद रखोगे कि डायरेक्शन नॉट से डायरेक्शन कि फ्लो ऑफ करंट जो होता है, जो फ्लो होता है हमारे करंट का, फ्लो ऑफ करंट वो बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखना. ठीक है, और ये वायर में पॉजिटिव 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 ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको मिला पॉजिटिव. ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल को पॉजिटिव मिलेगा जो वायर से कनेक्ट हो जाएगा, इसको फिर नेगेटिव मिलेगा, फिर ये आगे आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा सर. तो इस चीज का बेटा ध्यान रखेंगे थोड़ा सा. अब ये है हमारे लिए रियोस्टेट. ठीक है, ये रियोस्टेट हो जाएगा, ये हमारी बैटरी हो जाएगी, ये एमीटर हो जाएगा, ये एमीटर हो जाएगा, ये हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा. ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर का क्वेश्चन आता है कि हाँ एमीटर को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये सीरीज में लगा हुआ है.
ये बेटा जो लगा हुआ है इस टाइम हमारा वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है पैरेलल, बट ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि अगर मैं यहां पर एक वायर ले लेता हूं, इस सर्किट को थोड़ा सा भूल जाओ, यहां पर आ जाओ, ये हमने एक वायर ले ली है, इसके अंदर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसमें बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें चार्जेस हैं, चलो इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोलते, चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं, यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं जिसने चार्ज को कैरी करके आगे चलना है, जिसके कारण हमें करंट मिलता है, ये चार्ज कैरियर्स हैं, डोंट से इलेक्ट्रॉन्स। उन वर्ड्स को हैबिचुअल बनाओ, उन वर्ड्स से फैमिलियर हो जाओ जो हमारे लिए यूजफुल है और जिनमें मिस्टेक्स निकालनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर तुम यहाँ वर्ड इलेक्ट्रॉन लगाओगे दिस इज नॉट द रॉन्ग पॉइंट, बट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ओनली इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट चार्ज और एनी अदर चार्ज ऑल्सो कैन कंडक्ट चार्ज, तो हमारा आंसर है अदर चार्जेस ऑल्सो कैन कंडक्ट द चार्जेस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो फिर हमें इसलिए इनको क्या बोल देना चाहिए, वी शुड से चार्ज कैरियर्स, ये हमारे चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं यही कहूंगा तुम्हें कि इसको चार्ज कैरियर बोलो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है या जो भी है बट चार्ज कैरियर बोलो। अब इन चार्ज ये चार्ज कैरियर हर वायर के पास है, लेकिन वो फ्लो कब करेंगे, तो कईयों के माइंड में आ गया होगा कि फ्लो तब करेंगे जब हम इस पे स्लोप बनाएंगे, ढलान बनाएंगे, ऐसे ये फ्लो करते हुए जाएंगे, अब ढलान बनाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में तो क्रिएट करोगे, एंड टू एंड क्रिएट करोगे ना, कि यहां पर कितना पोटेंशियल है, फिर यहां पर बी पर कितना पोटेंशियल है, उसको मेजर करने के लिए यहां पे बीच में वोल्टमीटर लगा दोगे, देखो वोल्टमीटर लगा पैरेलल, समझ आया नहीं आया कि ए पर कितना पोटेंशियल है और बी पर कितना पोटेंशियल है, इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें स्लोप कितना है, अगर ये बहुत हाई पोटेंशियल है बहुत लो पोटेंशियल है तो स्लोप बहुत शार्प है, और अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल पोटेंशियल है मतलब ये बहुत हाई नहीं है लेकिन हाई है देन बी, तो भी स्लोप तो क्रिएट हो रहा है, तो कितना स्लोप क्रिएट हो रहा है इन दिस पॉइंट और इन दिस पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कंडक्टर वोल्टमीटर लगेगा एंड टू एंड, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का जिस पॉइंट के बीच में तुम्हें डिफरेंस देखना है वहां पर तार जोड़ के वोल्टमीटर जोड़ दीजिए, ठीक है, वो पैरेलल ही लगाना पड़ेगा, इन द केस अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो देखो बात बन नहीं पाएगी, कैसे नहीं बन पाएगी, ये मैंने सीरीज में लगा दिया ये, ठीक है, अब ए पॉइंट का तो इसमें आया आउटपुट, लेकिन फिर बी की आउटपुट वापिस थोड़ी ना आएगा करंट, यहां पर करंट उल्ट ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये हमारी आगे बैटरी लगी हुई है, ये हमारी बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो यहां से करंट ऐसे चल गया, यहां से करंट ऐसे चल गया, इधर से ऐसे मिल गया, नहीं मिल सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, काट दो इसको, ठीक है, अब इसका सॉरी मैंने एक्चुअल है कि हम सीरीज में एमीटर लगाते हैं इसलिए ए लिख दिया, दैट इज द बी वोल्टमीटर, वोल्टमीटर बेटा सीरीज में नहीं लगेगा अगर वायर के अंदर नहीं लगेगा जैसे मीटर लगा हुआ है, क्यों, इसको फिर एक ही साइड से करंट मिलेगा, दूसरी साइड का ये मेजर नहीं कर पाएगा, जैसे यहां से बी का पता नहीं पाएगा, ए का तो बता देगा बी का नहीं बता पाएगा, इसको डिफरेंस बताना है, इसको पोटेंशियल नहीं बताना, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस होता है हमेशा, डिफरेंस को बेटा हम ज्यादातर यूज करते हैं, देखो जहां पे डिफरेंस वर्ड आता है उसमें चेंज भी बोल सकते हो तुम, चेंज इन द पोटेंशियल कि कितना चेंज है, और डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट पता कैसे करेंगे, डेल्टा लगाकर करेंगे, टेंथ में मे बी इसका इतना यूज ना हो डेल्टा का, लेकिन प्लस वन वगैरह में बहुत यूज हो जाता है इसका, कि जहां पर चेंज की बात डिफरेंस की बात होती है वहां बात होती है डेल्टा की, डेल्टा का मतलब समझो बेटा क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जैसे तुम आज मैं नाइन्थ क्लास का एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर एक्सेलरेशन लिखते थे ना वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो ये क्या होता था, ये चेंज इन एक्सेलरेशन होता था, डिफरेंस इन एक्सेलरेशन होता था, तो इसको तुम डेल्टा वी भी लिख सकते हो, दैट इज द डेल्टा वी बाय टी, तो डेल्टा वी अपने आप में खुद ही बता देगा, डेल्टा तुम्हें बता रहा है कि ये है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम अपने आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो इसको डिफरेंस बताना है, इसको डेल्टा वी बताना है, डेल्टा वी ये तो वेलोसिटी के लिए मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर स्मॉल वी ले लेते हैं, अब पोटेंशियल की बात करेंगे तो कैपिटल वी हो जाएगा, डेल्टा वी वो हमारा वोल्टमीटर मेजर करेगा, और अगर ये डिफरेंस देखेगा तो फाइनल इनिशियल और फाइनल के हमेशा बीच में देखेगा, मैंने इस लोड के अक्रॉस, ये लोड है, इस लोड का ये पॉइंट ए है, इस लोड का ये पॉइंट बी है, मैंने इस लोड के पॉइंट्स पर देखना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं यहां पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वायर लेकर अपने वोल्टमीटर में जोड़ूंगा, तो ये मेरे को इस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा,
ये पॉइंट आई होप कि सबको क्लियर हो गया। आर यू गेटिंग टू मी? आई होप। अब एमीटर की बात है, एमीटर ने सिर्फ हमें बताना है कि हमारे जो वायर है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर कितना करंट फ्लो कर रहा है इन द वायर। तो हमें क्या करना है, फिर हमें ये वायर है तो यहाँ पर एक एमीटर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वायर में करंट आ रहा है तो ये एमीटर में से करंट क्रॉस करेगा आगे निकल जाएगा। इस एमीटर में से कितना करंट क्रॉस करके आगे आ रहा है, तो हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू दिस एमीटर, दैट अमाउंट ऑफ द करंट विल बी मेजर्ड बाय एमीटर इन द सीरीज आल्सो। पैरेलल में ये काम नहीं करेगा एमीटर। क्यों पैरेलल में काम नहीं करेगा, उसका भी रीजन है, वो भी समझो कि एमीटर पैरेलल में क्यों नहीं लग सकता। पैरेलल में लगा देते हैं तो नहीं लगेगा, देखो क्यों नहीं लगेगा। यहां पर हमने फिर से एक सर्किट ले लिया, ये एक लोड ले लिया, ये बैटरी है, और मैंने यहां पर एमीटर लगा दिया एज ए लाइक अ पैरेलल। ये मैंने एमीटर लगा दिया पैरेलल एमीटर। अब ये करंट आया, ये करंट आया, यहां पे करंट आया, इस पर पहुंचकर इस जंक्शन, इसको बोलते हैं यहां पर बेटा एक दो पॉइंट से ज्यादा रास्ते बनते हैं, जहां पर दो रास्तों से ज्यादा रास्ते निकल जाते हैं, उन पॉइंट को हम जंक्शन बोल देते हैं। ये जंक्शन पॉइंट होते हैं जहां पे वायर्स के जॉइंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जंक्शन पर अगर करंट पहुंचता है तो ये डिवाइड होता है, कुछ करंट इधर से जाएगा और कुछ करंट इधर से जाएगा ऐसे, और यहां से फिर करंट आएगा, यहां पर दोनों आकर मिलकर इकट्ठे होकर फिर आगे टोटल करंट फिर यहां से पास हो जाएगा। तो देखो एमीटर में से सारा अमाउंट करंट का क्रॉस नहीं हुआ अगर तुमने एमीटर पैरेलल लगा दिया, क्यों, कुछ अमाउंट तो ऊपर से चला गया, तो इसको कौन मेजर करेगा, ये रहेगा जो करंट एमीटर में आया ही नहीं वो एमीटर मेजर कैसे करेगा। तो एमीटर को सीरीज में लगाना बहुत जरूरी है, वोल्टमीटर को पैरेलल लगाना जरूरी है। अब इन पॉइंट्स को भूलना मत, हमेशा के लिए याद कर लेना, क्लियर है ये पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रियोस्टेट की। रियोस्टेट बेटा क्या होता है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, ये तब यूज किया जाता है जब हमारी लैब में हमारे पास फिक्स वोल्टेज की बैटरी होती है, जिन बैटरीज के तुम वोल्टेज को चेंज ही नहीं कर सकते, वहां पे हम रियोस्टेट का यूज करते हैं। रियोस्टेट में एक स्लाइडर लगा होता है, उसको तुम दिखाऊंगा मैं लैब में, जब तुम ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आई विल शो यू एवरीथिंग। ये कनेक्शन तुम खुद बनाओगे, मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिर्फ तुम्हें बताना, बता भी दिया मैंने, तुम समझ चुके हो कि यहाँ रजिस्टर लगाना है, पैरेलल में वोल्टमीटर लगाना है, सीरीज में मीटर लगाना है, की लगानी है, बैटरी लगानी है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि बैटरी कैसी लगानी है, अगर फिक्स वोल्टेज बैटरी है कि उसको 12 वोल्ट देना है तो 12 ही देगी और 11 या 10 नहीं दे सकती, तो हम रियल स्टेट का यूज करेंगे। मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, मुझे 12 नहीं चाहिए, मुझे 10 वोल्ट चाहिए। अगर मुझे 10 वोल्ट चाहिए तो मैं उसको 10 वोल्ट कैसे करूं, मैं इस रियल स्टेट से रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं। रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को अपोज कर देती है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, पॉइंट क्लियर है। तो रियल स्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जिससे तुम स्लाइड करके रेजिस्टेंस को अपने सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, बिकॉज तुम्हें बैटरी की वोल्टेज को थोड़ा कम या ज्यादा करना है तो रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हो। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हम रियल स्टेट का इतना यूज नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो बैटरी होती है, बैटरी एलिमिनेटर में एक बटन लगा होता है, उस बटन को तुम एडजस्ट कर सकते हो, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है कि हाँ 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे उसमें स्लॉट्स बने हुए हैं, जिस स्लॉट का तुम्हें वोल्टेज चाहिए उस स्लॉट की वोल्टेज तुम उसमें ले सकते हो। तो बैटरी ही हम आजकल ऐसी वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी यूज करते हैं कि हमें उसमें रियोस्टेट की नीड नहीं है। बेसिकली तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए रियोस्टेट का। रियोस्टेट जो होता है ये हमारे रेजिस्टेंस को, सर्किट की रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके। इस पे एक स्लाइडर लगा होता है, स्लाइडर को आगे और पीछे करना होता है तो रेजिस्टेंस किसी एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाती है और रिवर्स डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाती है, सिंपल। और एक और पॉइंट तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, एक और अपरेटस का नाम तुम्हारे के सामने आने वाला है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है बेटा, ये करंट बताता है सिर्फ कि तुम्हारे सर्किट में करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है। बिकॉज वायर के अंदर तुम करंट की डायरेक्शन नहीं देख सकते, अगर तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता और तुम्हें एक वायर है, जैसे घर में हमारे एक केबल आ रही है, उसमें एक तार में करंट आ रहा है, तो मुझे ये नहीं पता लगेगा कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम वोल्टमीटर लगा लेंगे।
मैं वोल्ट मीटर बताने से पहले पॉइंट बता देता हूँ तुम्हें कि अगर हम सारे मीटर्स की बात करें, जितने भी हमारे पास मीटर होते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, कोई भी स्पीडोमीटर, कोई भी मीटर ले लो, तो उनकी जो नीडल होती है बेटा, ऐसे ये मीटर बना होता है, ये कुछ रीडिंग होती है ऊपर, ऐसे यहाँ कुछ रीडिंग होगी, ठीक है। हमेशा नीडल ये 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ती है, 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ती है, और नीडल हमेशा कोइंसाइड करती है जीरो पे। जैसे जैसे रीडिंग आगे जाती है, नीडल आगे मूव करने लगती है, चाहे वो एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर है, उसका जीरो सेंटर में होता है, 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 जैसे तुम्हारी नंबर लाइन होती है, और गैल्वेनोमीटर की नीडल हमेशा सेंटर में ही होती है। जिस मीटर की नीडल तुम्हें फिजिक्स लैब में सेंटर में नजर आ जाए, समझ जाओ वो गैल्वेनोमीटर है, बिल्कुल ऐसे होगी, कोई जीरो, इसका जीरो ही सेंटर में होगा। क्यों? क्योंकि इसने काम क्या करना है, इसका कुछ वर्क ही ऐसा है, इसको बताना होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन बताता है कि वायर में करंट टुवर्ड्स द राइट है और टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो ऑलरेडी ये राइट या लेफ्ट में नहीं हो सकता, इसको सेंटर में ही रहना है, ठीक है। तो अब मैंने जिस वायर में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, मान लो ये वायर है ए बी, और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो यहां पर इसकी नीडल होती थी सेंटर में ऐसे, लेकिन अब वो नीडल हो जाएगी लाइक दिस। तो अगर ये नीडल इधर की तरफ टूवर्ड्स द राइट बेंड हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हम कहेंगे करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और अगर ये नीडल इधर की तरफ आ जाती है तो हम कहेंगे टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। बट इसकी बेसिकली नीडल विदाउट एनी करंट कहां पे रहेगी? इन द सेंटर। तो गैल्वेनोमीटर टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट इन द वायर, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये प्रैक्टिस क्लियर हो गए हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैटरी, की एंड रियोस्टेट आल्सो। तो अब हम आते हैं अपने कुछ डाउट्स पर, कि जो बच्चों के डाउट्स आए थे और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, फिर तुम्हें जो असाइनमेंट मिलेगी फिर वो तुम असाइनमेंट करोगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हारे असाइनमेंट्स से जो नहीं है असाइनमेंट्स में, या जो मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, उसको भी तुम्हें अच्छे से अपनी नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर असाइनमेंट। ऐसा ना हो कि तुमने सिर्फ असाइनमेंट्स कर लिए और तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं। ये बेटा पहले ही मैं बता देता हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल ही आएगा पेपर में, थ्योरी आने के चांसेस कम होते हैं, बट न्यूमेरिकल आने के चांसेस 101% है, चांसेस नहीं है, कन्फर्म है कि हाँ आना ही आना है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की करते हैं, ताकि हमारा न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो पाए, और सब होगा, बहुत इजीली सॉल्व होगा, देखना कैसे होगा, कुछ ट्रिक्स लगाएंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। इवेंट में नॉट ओनली इन द सीबीएसई क्लास, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन में भी इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्लस टू में भी इसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा रहते हैं। तो करते हैं आगे स्टार्ट। पहले हाँ बेटा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर करता हूँ, जो डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास, असाइनमेंट्स ओपन करने दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दो। तुम्हारा फर्स्ट डाउट है, मैं यहाँ पे ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 2, ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो मैं देख लेता हूँ, देख लेना तुम्हारा डाउट कौन सा बेटा इसमें। सेक्शन बी का मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, ये तो सबको पता होगा बेटा। स्टेट द कंडीशन ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मुझे वो कंडीशन बतानी है जिस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो क्या कंडीशन है बेटा, जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, आर एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और एक इनवर्सली डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द कंडक्टर पर, और थर्ड वो डिपेंड करेगा, हम यहां पर लिख सकते हैं हम रेजिस्टिविटी पर, या रेजिस्टिविटी सबको पता है ना। हाँ, एक और पॉइंट मेरे माइंड में आया, दिस इज नोन एज द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को ही हम बेटा क्या बोलते हैं, इसका एक सेकेंड नेम याद करो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं अपनी रेजिस्टिविटी को। व्हाट दिस पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area, R is directly proportional to resistivity. Resistivity का मतलब क्या होगा बेटा, material, nature of material, कि material की nature क्या है, copper, aluminium है, gold है, silver है, whatever. तो 3 factors आएंगे तुम्हारे पास जिस पे तुम्हारे resistivity depend कर रही होगी। Got this point?
तो इसको ये क्वेश्चन के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। इसमें बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें सॉल्यूशन में एक पॉइंट और भी दिया होगा, वो पॉइंट भी लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे लिख लो कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, इसका रीजन है। बट अब ये रीजन इतना वैलिड नहीं है आज के टाइम में, रीजन इतना वैलिड नहीं रहा हमारे लिए उसका। देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर तुम मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट किसका होगा ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। वो भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का पॉइंट ही कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में मेटल लिखा हुआ है तो हम ये पॉइंट क्लियर करना जरूर। एक सेकेंड बेटा, क्वेश्चन था हमारा स्टेट द कंडीशन ऑफ विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, कंडक्टर लिखा हुआ है तो कंडक्टर नॉर्मली हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वैसे तो मेटल्स भी होते हैं और भी बहुत कुछ पढ़ोगे बाद में। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, मेटल अपना रेजिस्टेंस हाई करता है, करंट लो कर देता है। तो अगर हम इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। और यही एक रीजन भी है कि हम अपनी जो ओम्स लॉ परफॉर्म करते हैं तो फिजिक्स लैब की कंडीशंस को हम कांस्टेंट रखते हैं कि टेम्परेचर चेंज ना हो, क्यों, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी, तो ओम्स लॉ कर नहीं पाएंगे, परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो लेकिन अब हम इस चीज में इतना ज्यादा डिपेंड नहीं है बिकॉज अब हम यूज करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ द मेटल इन, नाउ वी विल यूज एलॉय, हम एलॉय का यूज करते हैं। एलॉय में क्या होता है बेटा, एलॉय का यूज करने पर एलॉय टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता, अगर वो डिपेंड नहीं करता तो इसलिए किसी भी टेम्परेचर पर तुम अपने फिजिक्स लैब में ओम्स लॉ परफॉर्म कर सकते हो और हम करते भी हैं। अगर हम विंटर्स में परफॉर्म करें या समर्स में परफॉर्म करें तो हमें इस चीज की टेंशन नहीं होती कि हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज वी विल यूज एलॉय, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं, कंडक्टर्स जो हैं हमारे, तो उनमें डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसे है हमारा कि अगर मेरे पास एक वायर है जिसका, ये एक वायर है मेरे पास, इसका ए से लेकर बी तक जो भी इसकी लेंथ है, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, तो एल लेंथ है इसकी और इसमें रेजिस्टेंस है 4 आर, मैं इसको बेंड कर देता हूँ इन दिस वे, बेंड कर देता हूँ और ये डायमीटर टू डायमीटर उन्होंने मेरे से अब रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो ये ए से स्टार्ट किया बेंड करना तो बी पॉइंट अब मेरा इधर ही आ जाएगा, तो बी पॉइंट भी सेम पॉइंट पे आएगा, तो ये लेंथ अभी भी एल है तो ये यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल जो है, यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा 2L और यहां से लेके यहां तक का सर्कल भी हो जाएगा 2L, तो लेंथ अगर हाफ हो जाएगी, सॉरी 2L लिख दिया बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, L/2 ये भी हो जाएगा L/2, अगर लेंथ हाफ हो जाएगी तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग अगर लेंथ हाफ करेंगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो हाफ सेमी सर्कल का इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2R। तो रीजन क्या दोगे इसका, रीजन क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, और रीजन लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इफ इफ लेंथ बिकम्स हाफ, इफ एल बिकम्स हाफ देन आर विल ऑल्सो बिकम हाफ, दैट्स 4R टोटल था, 2R रह जाएगा, इसलिए देयरफॉर कर कैसे कर सकते हैं, 4R डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2R आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन रहेगा बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं और क्या डाउट था तुम्हारा उसको चेक करते हैं, सेक्शन सी के भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, तो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, वेट यस, नाउ जो डाउट है वो है हमारा अब सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 2,
एक बार बेटा रीड करो, इसमें मैंने तुम्हें कुछ बता रखा है तो सोचो क्या बताया हुआ है मैंने इसमें। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर टू में हमने जो किया हुआ बेटा वो देखो ध्यान से। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा पॉइंट बताया था जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे। ओम्स लॉ में बेटा डायरेक्ट रिलेशन होता है वी का आई के साथ। जब भी ये डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है तो जो ग्राफ होते हैं कभी भी किसी भी रिलेशन में कहीं पर भी तुम्हें अगर डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होता है, ये इनमें कोई कर्व नहीं होता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मान लो ये एमसीक्यू भी आ जाता है, आई थिंक ये एमसीक्यू है हमारे असाइनमेंट में, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। ये मान लेते हैं आई हो गया और ये हमारा वी हो गया, तो ये इसको बेटा हम बोलते क्या है, दिस इज नॉन एज स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। और जो ओम्स लॉ में ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है, मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस हियर, ठीक है। तो अब हमें क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर टू में, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो हम लिख लेते हैं, एज वी नो ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ है क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ हमें पता होना चाहिए। मुझे आई और आर की अगर वैल्यू मिलती रहे, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है हमारे पास वी की और आई की, वी की और आई की है तो हमें आर निकालना होगा। तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ, वी और आई है ना, बिल्कुल वी एंड आई है, तो हमें आर निकालना है बेटा। यहाँ से आर निकालना क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो हर स्लॉट का ये वैल्यू, ये फर्स्ट डेटा हो जाएगा तुम्हारा, ये सेकंड डेटा हो जाएगा, ये थर्ड डेटा हो जाएगा, तो ऐसे तीन वैल्यूज निकल जाएंगी तुम्हारा, आर वन निकल जाएगा, आर टू निकल जाएगा, आर थ्री एंड सो ऑन, जितने भी आर दिए हुए हैं वो निकल जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा वी वन डिवाइडेड बाई आई वन, फिर हो जाएगा वी टू डिवाइडेड बाई आई टू, वी थ्री डिवाइडेड बाई आई थ्री। तो तुम्हें वैल्यूज दी हुई है, हर बार वी की दी हुई है और आई की दी हुई है, तो आर निकाल लो। आर निकालने के बाद क्या करो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे लिखो आई की वैल्यू, यहाँ पे लिखो वी की वैल्यू, जो जो वैल्यू दी हुई है इक्वल इक्वल स्लॉट्स में, ग्राफ पेपर पे काम करोगे इक्वल इक्वल स्लॉट्स में तुमने वैल्यू ले ली जो तुम्हारी आई हुई है आर की वैल्यू, फिर उनको वैल्यूज को पॉइंट्स लगाओ, वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर वो स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो समझ लो तुम्हारी कैलकुलेशंस करेक्ट है, ठीक है। तो ये तुमने रेजिस्टेंस निकाली है, सारी स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो ये पॉइंट, हाँ इनमें से मे भी कोई अगर वो पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमा दिया जा सकता है, मतलब इसमें ट्विस्ट दिया जा सकता है, कैसा ट्विस्ट आ सकता है, लेट्स सी। सम टाइम दे विल गिव द वैल्यूज बट ऑल वैल्यूज आर मैचिंग, एक ओड वैल्यू आ जाती है, सारी इवन वैल्यूज चल रही है, एक ओड वैल्यू, ओड वैल्यू क्या करेगी, अपना डॉट इधर उधर दे देगी, लाइन में डॉट नहीं आएगा, तो तुम्हें वो ओड वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है कि हाँ बाकी सारी वैल्यूज के डॉट लाइन में आ रहे हैं तो ये वैल्यूज करेक्ट हैं, बट इस वैल्यू का डॉट लाइन में नहीं आ रहा तो ये ओड है। वो उस क्वेश्चन में होगा जिसमें वो पूछेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से तुम्हारी कोई कैलकुलेशन ही गलत हो रही है और डॉट साइड में हो गया तो तुम कहोगे ओड है, नहीं, जिसमें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइंड आउट द ओड वैल्यू इन दिस ग्राफ। तो तुम्हें सारे आर की वैल्यूज निकालनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन में जो आ रहे हैं इट्स ओके, जो नहीं आ रहा वो ओड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो ठीक है बेटा, अब कुछ हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस करते हैं। इससे क्वेश्चंस को करने से पहले मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ जिसमें मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैंने देखा कि कुछ हमने असाइनमेंट्स में हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे इसके बाद एक ओम्स लॉ से रिलेटेड थोड़ा सा हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं अलग से, इजी क्वेश्चंस। मैं तुम्हें कुछ अब सोच रहा हूँ कि इस वीक में थोड़ा सा हम क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल्स का सेक्शन कवर अप करते हैं, यहां तक कहना उससे हमारा प्रैक्टिस में कमी नहीं आएगी। फिर एनसीईआरटी भी करनी है, बहुत काम है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, आराम से करेंगे, डोंट वरी, वी हैव लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दिस करंट टाइम। नाउ वी विल स्टार्ट फॉर्मूलास, पहले फॉर्मूला देखते हैं सारे A to Z। बेटा हमने स्टार्ट किया था फॉर्मूला नंबर वन, ये बेटा तुम्हें एक पेज पे लिखते चले जाने हैं फॉर्मूलास, ठीक है। और इस पेज को अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है उससे पहले लगा देना, वहां पर उस लेसन से पहले फर्स्ट पेज ये पेस्ट कर देना। तो
तो ये फॉर्मूलाज अभी और भी लिखेंगे, इसमें हम ऐसा पेस्ट करना कि वो आगे पीछे दोनों तरफ लिखे जाए, एक ही पेज पे मैं सारे फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला आया था बेटा हमारा क्वांटाइजेशन का, Q इज इक्वल टू एन ई, याद कर लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। Q चार्ज था, चार्ज को कैलकुलेट करना होता है, ये कोई नंबर होता है बट डेसिमल में नहीं होता, और ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा 1.6 × 10⁻¹⁹। सेकेंड फॉर्मूला बेटा जो हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो यहां से हम वर्क को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो यही फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारा, एक वर्क का फॉर्मूला आ जाता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो यहां से तुम्हें दो फॉर्मूलाज मिलते हैं। तो वर्क को हम एनर्जी भी बोल लेते हैं, तो कभी कभी हमें अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़े तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे घूमता है फॉर्मूला। अब इसको मैं यहाँ पर और भी चेंजेस कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ी जगह छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं थर्ड फॉर्मूला, तुम तो क्वांटिटी में चल रहा बेटा, अभी जगह छोड़ दो, मैं यहाँ पे एक दो फॉर्मूला और बना लूंगा। सेकेंड देख लो, पहले बाद में लिखते रहना, पहले देख लो फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कैसे एडजस्ट करना है खुद करना। हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन में T। देखो मैं इसलिए कह रहा था यहाँ पे जगह छोड़ दूँ, मैं Q की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो Q का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू व्हाट, और सॉरी ये तो करंट का फॉर्मूला हो ही गया, चार्ज पर यूनिट टाइम मीन स्पीड ऑफ द चार्ज जिसे बोलते हैं। तो यहां से मैं चार्ज का फिर से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, आई इंटू टी। इस चार्ज के फॉर्मूले को तुम यहां भी रख सकते हो, सोच पा रहे हो, यहां पर भी ये आ सकते हैं, तो क्यों हो जाएगा बेटा आई इंटू टी। तो फिर से यहां पर एक वर्क का और फॉर्मूला, एनर्जी का एक और फॉर्मूला लेकर आएंगे, तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूं, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। लो बेटा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला के बेस पे अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम, और ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला होता है, और सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा होता है हमारा, हर जगह एडजस्ट हो जाता है ये तो फॉर्मूला, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, एक ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर यहां से आई का एक और नवा फॉर्मूला आ जाता है, तो यहाँ पे और करके लिख सकते हैं आई का एक नवा फॉर्मूला, और आई क्या होता है बेटा, वी डिवाइडेड बाय आर, एक और आई का फॉर्मूला आ जाता है, और यहां से बेटा R का फॉर्मूला मिलता है हमें V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है R का, एक R का और फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L। ये फॉर्मूलाज देखो, अभी अभी हमने चैप्टर को कोई बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं किया, नॉर्मल करा अभी तो हमने, बेसिक्स करे हैं, करंट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया है, और सर्किट में ओम्स लॉ हम डन कर चुके हैं, और एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किया हुआ है बेटा ये, कि जो रेजिस्टेंस होती है हमारे कंडक्टर की वो उसके लेंथ पे, एरिया पर, और उसके नेचर मटेरियल पर डिपेंड करती है, जिसको तुम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हो। तो फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लिख लो, देख लो क्या है, कहाँ कहाँ पे हमने कैसे घुमाया है, तो रट्टा मत मारना कि मैंने वी का ये फॉर्मूला याद किया था, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, खुद सोच सकते हो क्यू का फॉर्मूला हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, वहां से लेके यहाँ पर कर रहे हैं। तो पॉइंट है कि कब कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगा दो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बहुत सिंपल होता है, गिवन डेटा, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो वैसे ही काम करता है, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि हाँ मुझे तो एनर्जी निकालनी है, करंट टाइम और वोल्टेज दे रखी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, यहाँ तो चार्ज चाहिए ना, समझ आ रही है। तो बस जब चार्ज दिया ही नहीं, करंट और टाइम दिया हुआ है, तो निकालनी एनर्जी ही है, और तुम कहो कि नहीं मैं तो चार्ज जब तक नहीं देंगे तब तक एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को तो यही फॉर्मूला पता है, नहीं तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे लेकर आओ, तो अपनी एनर्जी कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्ट वन फॉर्मूला from these formulas, okay।